अभी आप देख रहे हैं कि समस्तीपुर में है और समस्तीपुर के पटेल मैदान के गोलंबर चौक पे है, पटेल चौक पे है। और यहाँ लोग कैंडल मार्च लगातार, जब से घटना हुई है 15 अगस्त से लगातार कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और बेटियों के लिए न्याय मांग रहे हैं। कब तक ऐसा होता रहेगा इस देश में बेटियों के साथ? देश की आज़ादी का 78 साल हो गया, फिर भी बेटियाँ इस देश में आज़ाद नहीं है। कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है। आप तमाम, इससे पहले भी 10 साल पहले भी निर्भया हत्याकांड हुआ था, उसके बाद पूरे देश सड़क पर आ गया था, उसके बाद उनको फांसी हुई थी। और पिछले 2-3 साल पहले भी देखे थे आंध्र प्रदेश में एक डॉक्टर का बलात्कार हुआ था, वहाँ भी उनको भी क्या कहते हैं, हत्या हो गया था। लेकिन अब लोगों से जानना चाहते हैं, यहाँ पर समस्तीपुर में जो आए हुए हैं लोग कैंडल निकाल रहे हैं, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, चाहे वो, आप सबसे बड़ी खूबसूरती आपको लगा कि किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं, चाहे वो आपने लिखा है कलकत्ता हो या उत्तराखंड हो या मुजफ्फरपुर हो, कहीं भी हो बेटी को सुरक्षा पूरे देश में मिलना चाहिए। जी, हमारा किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारा बस एक ही कंसर्न है कि बेटियों को सुरक्षा मिलना चाहिए। और ये सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित नहीं है, ये जहाँ भी है, जितने भी स्टेट है हमारे, जितना भी भारत का जितना भी क्षेत्र है, सब जहाँ भी बेटियाँ हैं, सब हमारी बहन और बेटियाँ हैं, सबके सुरक्षा के लिए ये जो प्रोटेस्ट है, ये सांकेतिक प्रोटेस्ट है, सबके सुरक्षा के लिए हम लोगों ने लगाया है। हमें किसी सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही हम लोग राजनीतिक संगठन है। ये जो चल रहा है लेट्स इंस्पायर बिहार, जो हमारे मार्गदर्शक महोदय श्री विकास वैभव सर के संरक्षण में ये चल रहा है, ये बिल्कुल ही गैर राजनीतिक संगठन है। बिल्कुल इसमें हमारा राजनीति कहीं कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बेटियों की सुरक्षा के लिए रोड पर आए हैं, और अगर सरकार इसको अगर अंजाम तक नहीं पहुंचाती है तो हम इस तरह का सांकेतिक रूप से संवैधानिक तरीके से हम लोग करते रहेंगे प्रोटेस्ट। ये आप देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, सरकार खुद ममता जी क्या कहते हैं, वो खुद पैदल निकली, परिवार से मिली, तो ये क्या हुआ कि जब वो सरकार में है और फिर भी वो पैदल निकल रही है, जब किसके खिलाफ वो निकल रही है पैदल? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने सरकार के खिलाफ खुद निकल रही हैं। अभी उनको खुद मुंह छुपाने का जगह नहीं मिल रहा है तो वो खुद ही कर रही हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या जनता को सोचना चाहिए? मैं सरकार को कुछ नहीं कह रहा हूँ, जनता को सोचना चाहिए। क्या ऐसे लोगों को आप सत्ता में बिठा सकते हैं? क्या ऐसे लोग, हमें खुद पर विचार करना चाहिए। हम सीधा जब चुनाव आता है तो सीधा सोचते हैं ये पार्टी नहीं, हमें सोचना चाहिए कि जो हमारा नैतिक मूल्य है हमारा कहाँ खोता जा रहा है। जो नैतिक मूल्य की बात करेगा, जो नैतिक शिक्षा की बात करेगा, जो समाज में समरसता की बात करेगा, हमारा वोट उसी को जाना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि जब मान लीजिए कलकत्ता का उदाहरण लेते हैं, कलकत्ता जब मैं हुआ और कोई दूसरी पार्टी से, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उस पर सवाल करते तो आप कहते हैं आप अपने राज्य को देखिए, अपने राज्य को झांकिए, आपके यहाँ नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं बेटियों के न्याय में देरी हो और क्या कहते हैं, एक तरह से गुमराह करते हैं कोई भी पार्टी हो। जब इस राज्य में होता है तो कहते हैं अपने राज्य में देखिए, वो राज्य में होता है तो अपने राज्य में देखिए। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा, बेटियों का सुरक्षा और देश की सुरक्षा में कमी। देखिए, इस तरह की जो घटनाएं होती है, जो जघन्य अपराध होती है, मैं इसका सबसे बड़ा दोषी मानता हूं ये जो राजनीतिक पार्टी है। कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है इनका कि हमारे बेटियों को न्याय मिले, इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले सकता, कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी का एक ही है। अगर ये लोग, अगर सब लोग एक मत से अगर कड़े कानून बनाएंगे ताकि दरिंदों का रूह कांप जाए, तो इस तरह का अपराध होगा ही नहीं। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को यह चाहिए, मैं राज्य सरकार से, पहले मैं बिहार का बेटा भी हूँ, भारत का बेटा हूँ, साथ साथ बिहार का भी बेटा हूँ, मैं राज्य सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है, इसमें आप नैतिक शिक्षा को समर्थन दीजिए। और नैतिक शिक्षा जब तक हमारे पाठ्यक्रम में नहीं होगा, तब तक इस तरह के दरिंदे समाज में पैदा होते रहेंगे और दरिंदगी करते रहेंगे और हम लोग प्रोटेस्ट निकालते रहेंगे। और लोग आप देखते हैं ट्रायल का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन अपराध कम करने का है भाई साहब। सऊदी या गल्फ कानून लाइए, ठीक है। सरकार चाहती है कि क्राइम हो, सरकार छुपाती है। सरकार अपना वोट बैंक बनाने का चाहती है क्राइम हो, क्रिमिनल को बढ़ावा देती है, अपराधियों को बढ़ावा देती है। आप मानिए ना, सऊदी में सारे लोग मारे जा रहे हैं क्या उस कानून के कारण? लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि अपराध कंट्रोल में होता है, अपराधी को डर होता है कि एक गलती पकड़ी गई तो सीधा जान से हाथ दोगे। यहाँ अपराधी जानते हैं, यहाँ अपराध भारत में या बिहार में कहिए तो अपराधियों का डर नहीं है, पुलिस डर नहीं है। जानती है सरकार हमारी सबसे पहली दोस्त है, जानती है सरकार ही हमारी दोस्त है। सरकार चाहती है क्राइम हो, तो इस क्राइम में क्या आपके अनुसार सजा होना चाहिए, किस प्रकार? सजाए मौत हमें चाहिए, अपराधी को सजाए मौत चाहिए, फांसी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जब आप न्यायालय, माननीय न्यायालय महोदय से मैं कहना चाहता हूँ, माननीय न्यायालय से मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक आतंकवादी के लिए रातों रात कोर्ट खुल सकता है, तो ये रेपिस्ट के लिए क्यों नहीं हो सकता है? और ये स्पीडी ट्रायल चला करके क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए
इस पे हमारे बातों को संज्ञान मिले और कृपया करके स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आप इस मामलों में कहीं भी हो, चाहे जैसे देखिए ये खबर ममिता का घटना मीडिया ट्रायल में आ गया, बहुत सारे ऐसे घटना होते हैं जो रेप का जो मीडिया में नहीं आता है, गाँव में दब जाते हैं, फाइलों के अंदर छुप जाते हैं, पुलिस रिपोर्ट तक नहीं लिखती है, तो इस चीज़ों को कैसे कैसे समटा जाएगा, इस चीज़ को कैसे कम करा जाएगा, उसको कैसे न्याय मिलेगा जिसको मीडिया तक नहीं पहुंच पाते, मीडिया तक रीच नहीं हो पाता है, इसका घटना उसको कैसे इसका सबसे बड़ी सबसे 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 इसका सटीक उपाय यही है कि हमारा सामाजिक जागरूकता होना चाहिए, सरकारी स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए और सरकार को भी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए कि आप जो दरिंदे हैं उसको बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे और किसी भी तरीके से उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए और आप एसपीडी ट्रायल चला करके उनको सीधा फांसी ट्रायल तुरंत मत होना चाहिए। आपका इस पर क्या पूरा जो नियम है जैसी व्यवस्था है कि लंबी प्रक्रिया लग जाती है ट्रायल होने में, सरकार इस चीज को समझ नहीं रही है, सरकार बढ़ावा दे रही है इसलिए ये कम नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं कि अपराधी को रातारात गोली मार देनी चाहिए, तो पब्लिक के हवाले कर देनी चाहिए, फांसी चाहिए। ये देखिए गोली मार देना है ये कहीं ये तो न्याय व्यवस्था से कहीं फिट नहीं बैठता। एक जो हमारा देश का संविधान है उस संविधान के दायरे में एक ऐसा कानून होना चाहिए जिससे लोगों को न्याय मिले। कि आप जो कह रहे हैं अपराधी को फांसी चाहिए, अपराधी ट्रायल बनाकर जो दोषी है मतलब नियम जो सिस्टम है उस अनुसार तब जाके अच्छा रहेगा। हम कुछ नहीं जानते, अपराधी को गोली मार देनी चाहिए, अपराधी पहले दोष पहले दोष सिद्ध हो जाएगा तब ना किसी को आप गोली मार सकते हैं या फांसी चला सकते हैं। यानी कि दोष सिद्ध हो जाने के बाद आप चाहते हैं कि उसको गोली मार दिया जाए। जी तो लोगों का कहना हुआ कि जहाँ भी हो कहीं भी हो चाहे वह बिहार हो बंगाल हो उत्तराखंड हो कहीं भी हो इस तरह का अपराध होता है तो उनको जल्दी से जल्दी ट्रायल करा के उनको किसी तरह उनको सजाए मौत देना चाहिए।